चीन के झांसे में नहीं आना है। अगर भरोसा है तो, और अगर हम लोग का नेतृत्व में दाग है, आप लोग को शंका है, तो खुलियाम बोल दीजिएगा, लेकिन आगे पीछे इधर उधर नहीं, पीठ पीछे नहीं, फेस टू फेस बोलिए। हम कोई आंदोलन का ऐलान नहीं करेंगे, और करेंगे तो ईमानदारी से लड़ेंगे, चाहे उसके लिए जहाँ टकराना पड़े टकराएंगे, लेकिन खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो हम लोग का आपका स्टेट लाइब्रेरी, जो स्टेट लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ के छात्र विशेष रूप से घूम रहे होते हैं, इसीलिए उन लोग से आखिर हम, अरे हम अपने आंख के सामने देखे हैं जी क्वेश्चन लिखवा है, जो क्वेश्चन लेने गया तो मेरे सामने आकर रोया हूँ कि दादा हम झारखंड का पढ़ाई और नहीं पढ़ेंगे, हम या तो UPSC पढ़ेंगे और नहीं तो हम बढ़िया बिस्तर लेके गांव जा रहे हैं। कहे हम देखे वहाँ हम लोग को पेन, सुनिए सुनिए, आज हम लोग टाइगर जयराम दा का मार्गदर्शन पर हम लोग सब कोई नेतृत्व के इस आंदोलन का और ईमानदारी से हम लोग लड़ रहे हैं, और सिस्टम से लेकर पूरा आयोग से सरकार तक बहुत ज़्यादा दबाव भी बन चुका है, लेकिन यहाँ के कुछ कोचिंग संस्थान है, कुछ कोचिंग संस्थान है जो नहीं चाहते हैं इस राज्य में अच्छा से काम हो, अच्छा से आंदोलन हो। हम लोग आंदोलन को तोड़ने का भी प्रयास करते हैं, और जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब वो लोग हम लोग का आंदोलन को कुछ स्टूडेंट को बहकाता है, और बहका करके कहता है कि आंदोलन मत करो, परीक्षा होने दो, और जब परीक्षा होने देते हैं हम लोग, तो फिर उन लोग वही लोग जो है कि पेपर सेटिंग वेटिंग करता है, बाहर से बुलाता है, किसी भी हाल में कुछ कोचिंग वाला फिर और फिर झारखंडी का फीस लेता है, पैसा लेता है, और कभी नहीं चाहता यहाँ के लोगों को नौकरी हो। इसीलिए अगर अभी हम लोग नहीं लड़ेंगे तो सीजीएल JSSC सचिवालय को भी बचा नहीं सकते हैं। तो आज इस आवेदन में जो JSSC का नहीं बात पर, पहले तो जब हम लोग आवेदन शिकायत किए थे तो JSSC एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था और गड़बड़ी से इनकार किया था। जब हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हुए तो JSSC अपने बातों से पलटते हुए उन्होंने गलती को स्वीकार किया कि जमशेदपुर रांची धनबाद का पांच सेक्टरों पर सात विषय पर अनसील्ड पेपर आया था। अनसील्ड अगर आया था, परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही क्वेश्चन बुकलेट का लिफाफा हटा था, तो व्हाट्सएप का जमाना है, पूरे झारखंड सम्मिलित हुआ है, तो JSSC का बार बार का नोटिस और जो बंधक बनाया गया और जो अभी तक सामने आया छात्र के माध्यम से, जो कि बहुत हम लोग पिछला जब JSSC आंदोलन कर रहे थे तो जब गड़बड़ी हुआ था मीडिया में बता रहे थे, आयोग सुधार कर रहा था, इसीलिए आगे जा करके अच्छा से फंसा नहीं, और भी बहुत ऐसा गड़बड़ी है जिसका सबूत हम लोग के पास है, और सारा सबूत का दस्तावेज हम लोग साथ में लिए हुए हैं, और ये दस्तावेज अगर हम लोग अभी बाहर ऑपरेट करेंगे तो ये सुधार लेगा, फिर CBI जांच जब हो गए तो हम लोग निकलिए घेरे में नहीं आएगा। इसीलिए हर गलती को हम लोग सार्वजनिक यहाँ नहीं करेंगे, कुछ कुछ महामहिम जी को बताएंगे, क्योंकि यहाँ CBI जांच एक तो महामहिम किसी को रिकमेंड करेंगे, या तो हाईकोर्ट आदेश देगा या तो झारखंड सरकार आदेश देगा, केंद्र सरकार को केंद्र सरकार फिर अप्रूवल देगा तब होगा, लेकिन झारखंड सरकार आसानी से CBI को नहीं बुलाने वाला है, क्योंकि वो इसीलिए हम लोग को एक महामहिम के पास आज हम लोग आए, दूसरा हम लोग का हथियार हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में भी दलील देंगे, वहाँ भी निवेदन करेंगे, सारे सबूत को वहाँ भी पेश करेंगे, और चूंकि हाईकोर्ट के माध्यम से इतना CBI हुआ है, मैक्सिमम हाईकोर्ट के आदेश पर ही हुआ है, इसीलिए सभी को हाईकोर्ट जाएंगे, और साथ ही साथ क्या मांग है कुछ एक बार हम आप लोग को पढ़ के सुना दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, माइक नहीं है, हम अच्छा रहे ना, अब सब एग्जाम में रांची के जितना एग्जाम सेंटर में है, नगर पालिका हो चाहे PGT के, एक भी क्वेश्चन नहीं टच किया है, और सब पैसा कमा रहा है, और हम लोग के साथ नहीं देना क्वेश्चन, एक नंबर दोगला है। तो सुनिए,
हम लोग का जो आवेदन है सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड विषय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा संचालित कनीय अभियंता लेब असिस्टेंट टेक्नीशियन नगर पालिका सेवा संपर्क नियुक्ति की CBI जांच मांग हेतु आवेदन पत्र पॉजिटिव है। महाशय सविनय नम्र निवेदन है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित उपरोक्त नियुक्ति परीक्षाओं में हुए धांधली एवं भारी अनियमितता से हम छात्रों में हतोत्साहित की स्थिति बनी हुई है, जिसमें अगर कनीय अभियंता का सुन लीजिए, अगर और कुछ है तो बोलिएगा। कनीय अभियंता परीक्षा को लेकर के जो सवाल है, परीक्षा के सप्ताह भर बाद डमी परीक्षा केंद्र सीवा इंफोटेक परीक्षा रद्द करने के ठोस कारण प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि JSSC ने 28 सितंबर को परीक्षा हुआ था वो सप्ताह भर बाद 4 परीक्षा दिवस के बाद 6 अक्टूबर को बिना ठोस कारण बताए रद्द कर दिया है, तो उसका ठोस कारण नहीं बताया है। दूसरा पॉइंट, सीवा इंफोटेक जैसे तमाम राज्य भर में संचालित सभी नॉन TCS आईओन डिजिटल परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज एवं एग्जाम सेंटर इंचार्ज का कॉल हिस्ट्री को किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा जांच किया जाए, मतलब CBI के द्वारा जांच किया जाए। कहे कि स्पष्ट रूप से जो शुद्ध रूप से विश्वसनीय संस्थान TCS का आधिकारिक परीक्षा केंद्र आयोन डिजिटल सेंटर है, वहीं पर परीक्षा लेने का बात था, लेकिन अभी डमी सेंटर बनाया है और वो नॉन आयोन डिजिटल सेंटर के साथ परीक्षा ले रहा है। इसके अलावा 27 सितंबर 2022 को कार्मिक विभाग रांची द्वारा स्वीकार किए गए TCS आयोन डिजिटल द्वारा परीक्षा निर्धारित के आवेदन को अवहेलना किया गया है, इसको न किया जाए। साथ ही साथ उक्त नियुक्ति परीक्षा में एक वर्ष पूर्व नामकुम थाना में FIR दर्ज था, जिसका कांड संख्या 227/2022 के आलोक में गठित SIT का फाइनल जांच सबमिट अभी तक रिपोर्ट जारी जमा नहीं किया गया है, इसका फाइनल जांच रिपोर्ट सबमिट किया जाए। इसके अलावा अब लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन के छात्र ध्यान देंगे। लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन परीक्षा में नियुक्ति विज्ञापन का अवमानना करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन में सब्जेक्ट प्रेफरेंस को दिया गया एवं वही जारी एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट प्रेफरेंस का आधार पर ही एग्जामिनेशन डेट जारी किया गया, जबकि विज्ञापन में ऐसा प्रावधान नहीं था। दूसरी बात, बिना कट ऑफ मार्क्स एवं रेस्पॉन्स की जारी किए हुए डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जो यह नियमावली के विरुद्ध है। साथ ही साथ विवादित परीक्षा केंद्र सीवा इंफोटेक रांची से क्रमवार 64 अभ्यर्थियों का क्वालिफाइंग रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। राज्य भर में संचालित कुल 23 परीक्षा केंद्र में से केवल 5 परीक्षा केंद्र से ही 35% से अधिक अभ्यर्थी का क्वालिफाई रिजल्ट में प्रकाशित किया गया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और पेपर लीक का इशारा है। साथ ही साथ नगर पालिका सेवा संपर्क संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र ध्यान से सुनेंगे। संत पॉल कॉलेज रांची सहित राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्र में क्वेश्चन बुकलेट कम होना, अनसील्ड पाया जाना, क्वेश्चन बुकलेट के सीरियल नंबर ऑर्डिनरी मार्कर और पेन पे लिखा गया, जो बहुत बड़ा सवाल का घेरे में है। साथ ही साथ दूसरा, परीक्षा केंद्र DAP अल्कुसा पुट की धनबाद में हो रहे अनियमितता से नाराज परीक्षा त्याग करने पर 5 महिला अभ्यर्थी समेत
कुल 16 छात्रों को बंधक बना के रखना, उसे परीक्षा से दीवार करने का धमकी देना एवं उन छात्रों पर एक दिन बाद मनगढ़ंत FIR दर्ज करना साथ साफ साफ पेपर लीक और भ्रष्टाचार को इशारा करना है। और PGT की बात करें तो PGT में भी जितने भी आए हुए थे तमाम चीज को दर्शाया गया है कि सभी परीक्षा केंद्र पर जो है कि सर्वर वहाँ पे चर्चा पे सामने आ रही थी कि सर्वर शेयर करके अगल बगल जो ये कैफे है वहाँ पे बैठ कर भी दिए हैं और वहाँ पर PGT परीक्षा में कुछ छात्र लिखित रूप से दिए हैं, उसका हम लोग एप्लीकेशन जमा किए हैं। जो स्टूडेंट अब्सेंट था उसका उसका जो है कि उसका भी रिजल्ट कहीं कहीं जो है कि अभी आया नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट अब्सेंट था उसका लॉगिन किया गया था सिस्टम, तो आखिर उसका लॉगिन सिस्टम कैसे हुआ, जो स्टूडेंट अब्सेंट था ये PGT के छात्र का कुछ लिखित रूप से दिया है। इस तरीके से हम लोग का जो ये आवेदन है स्टूडेंट रिस्पॉन्स भी कम से कम देना चाहिए, लोग एग्जाम देते हैं और इसका जो हम लोग इसका सारा संलग्न जितना हम लोग आरोप लगाए हैं इसका दावा हम लोग जो है कि इसका दस्तावेज भी अटैच किया है और साथ ही साथ हम लोग कुछ कुछ और बहुत ही जो हम लोग का रिकॉर्डेड मिला है, वीडियो फुटेज मिला है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन लीक में शामिल हुए थे उसको नाम हम सार्वजनिक नहीं किए, उसको हम जरूरत पे खड़ा करेंगे। इसीलिए कि नगर पालिका में 921 सीट था और 1000 छात्र, उन लोग बोला कि हम लोग जहाँ क्वेश्चन लेने गए थे 1000 स्टूडेंट था, लेकिन 921 जो सीट है वो कैटेगरी वाइज है, ST का, SC का, OBC का, आर्ट रिजर्व का, लेकिन वहाँ कैटेगरी वाइज नहीं बुलाया था। इसीलिए जो 15 लाख रुपया देकर के पेपर लीक में शामिल हुआ था उसका भी सबका नौकरी लगने वाला नहीं है, इसीलिए वैसे छात्र भी शामिल हो रहे हैं उसका हम नाम उजागर अभी सार्वजनिक तौर पर हम नहीं बोल पा रहे हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और इसका इस आवेदन का जो प्रतिलिपि होगा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, CBI को दे रहे हैं, रांची रीजनल ऑफिस में और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को दे रहे हैं, ये तमाम जगह को दे रहे हैं। अगर आप लोग को कुछ इसके अलावा सुझाव है तो आप लोग एक बार बोलिए। सबका सब बहुत होना चाहिए और सुनिए और हम लोग इसके अलावा हाईकोर्ट जा रहे हैं, आप लोग तैयार रहिएगा लैब असिस्टेंट का अलग से और एक सभी सामूहिक रूप से CBI जांच की मांग को लेकर के आप लोग से मेरा निवेदन होगा, आप लोग भरोसा रखिए, हम लोग भरोसा रखिए, हम लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ करके जेएसएससी को सुधारेंगे, क्योंकि राज्य में एक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सबसे बड़ी संस्था है जो सबसे ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी का नियुक्ति करता है, जब सबसे ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी का नियुक्ति करता है तो उसको सुधार करना नितांत आवश्यक है कि नहीं, और इसको सुधार किए बिना राज्य का भला नहीं हो सकता है। और झारखंड अलग होने के बाद झारखंड नवनिर्माण का जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, इस झारखंड नवनिर्माण के आंदोलन का सबसे प्रमुख हिस्सा JSSC का कचरा को साफ करना है, तो इसीलिए हम लोग निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग का सर्वसम्मति से निर्णय होगा तो आज के लिए हम लोग इस आंदोलन को स्थगित करेंगे और आगे हम लोग फिर से आप लोग के सर्वसम्मति से क्या होना चाहिए, आप लोग भी कम शब्दों में राय देना चाहते हैं तो दे दीजिए कि अगर हम लोग महामहिम को दे दिए सब कुछ कर दिए कार्रवाई अगर नहीं हुआ तब हम लोग
तो हम लोग आगे हाईकोर्ट में दौड़ते नहीं है, हाईकोर्ट में दौड़ जाना है, हाईकोर्ट में तो उम्मीद है। अरे ये आगे क्या हो रहा है? और सुनिए, जितना भी कोचिंग सेंटर सुनिए, आज हम लोग टाइगर जयराम दा का मार्गदर्शन पर हम लोग सबको नेतृत्व के इस आंदोलन का और ईमानदारी से हम लोग लड़ रहे हैं। और सिस्टम से लेकर पूरा आयोग से सरकार तक बहुत ज्यादा दबाव भी बन चुका है, लेकिन यहाँ के कुछ कोचिंग संस्थान है, कुछ कोचिंग संस्थान है जो नहीं चाहते हैं इस राज्य में अच्छा से काम हो, अच्छा से आंदोलन हो। हम लोग आंदोलन को तोड़ने का भी प्रयास करते हैं, और जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब वो लोग हम लोग आंदोलन को कुछ स्टूडेंट को बहकाता है और बहका करके कहता है कि आंदोलन मत करो, परीक्षा होने दो। और जब परीक्षा होने देते हैं हम लोग, तो फिर उन लोग वही लोग जो है कि पेपर सेटिंग वेटिंग करता है, बाहर से बुलाता है, किसी भी हाल में कुछ कोचिंग वाला फिर झारखंडी को फीस लेता है, पैसा लेता है और कभी नहीं चाहता यहाँ का लोगों को नौकरी हो। इसीलिए कोचिंग के झांसे में नहीं आना है। अगर भरोसा है तो, और अगर हम लोग का नेतृत्व में दाग है, आप लोग को शंका है, तो खुलियाम बोल दीजिएगा, लेकिन आगे पीछे इधर उधर नहीं, पीठ पीछे नहीं, फेस टू फेस बोलिए। हम कोई आंदोलन का ऐलान नहीं करेंगे, और करेंगे तो ईमानदारी से लड़ेंगे, चाहे उसके लिए जहाँ टकराना पड़े टकराएंगे। लेकिन खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो हम लोग का आपका स्टेट लाइब्रेरी, जो स्टेट लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ के छात्र विशेष रूप से घूम रहे होते हैं, इसीलिए उन लोग से आखिर हम, अरे हम अपने आँख के सामने देखे हैं जी क्वेश्चन लिखवा है, जो क्वेश्चन लेने गया तो मेरे सामने आके रोया हूँ कि दादा हम झारखंड का पढ़ाई और नहीं पढ़ेंगे, हम या तो UPSC पढ़ेंगे और नहीं तो हम बढ़िया बिस्तर लेके गांव जा रहे हैं। कहे हम देखे वहाँ, हम लोग को पेन कॉपी नहीं था कि मोबाइल वोबाइल नहीं था कि हम लोग कुछ लेके आते, वहाँ स्क्रीन में दिखा दिया, रात भर में हम लोग को रटाया गया और उन लोग को रटाया गया है रात भर, तो कहाँ से होगा जी। हाँ, और इसमें हम 1% झूठ नहीं बोल रहे हैं, रात भर रटाया गया है गया में, पटना में, कलकत्ता में, और हम बिना ऑथेंटिक कर बिना सत्यापित का कोई बात नहीं बोल रहे हैं। और हम तो बार बार ऑन कैमरा सब जगह बोले हैं कि मेरा बात झूठा है तो हमको जेल भेज दो, लेकिन अपना आँख के सामने तो देखे इस पर हम धोखा नहीं खा सकते हैं, चाहे जो हो जाए। इसीलिए आप लोग एकजुटता बना के रखिए, आगे हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, लैब का FIR करेंगे। अच्छा क्यों नहीं किया भैया? अच्छा लोग का कहना जैसे खराब करना दिन का अल्टीमेटम दिया था, एक सप्ताह बाद JSSC बोल रहा है, सुनिए हम लोग तैयार है, हाथ खड़ा करिए, सबका सही हो रहा है, कोचिंग वाला नहीं होगा तो बहिष्कार किया जाएगा। कोचिंग और जो लाइब्रेरी है सबको बोलिए कि सपोर्ट करेगा, धोनी बताइए।